सरकार झूठ बोलेगी और सरकार के झूठ को हम लोग बेनकाब करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग जागरूक नागरिक हैं और इसी मुल्क में रहते हैं जिसमें सरकार रहती है, समझे। सरकार कह रही है कि हम लोग ये कानून लाए जो नागरिकता देगा, कंधा झुका देगा। टीम आर्मी के लोग भी यहाँ है, हमारे प्रदेश प्रभारी मनोज भारती जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंदन जी, तुम बड़े गौर से सुनना क्योंकि सबसे ज्यादा मार तुम्हें पड़ेगी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम अपने कैडर को बताना कल से कि भैया जो कह के जा रहे हैं वो सत्य है, वो पूरा छानबीन करके कही गई बात। इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 5 से लेके और आर्टिकल 11 तक इस देश में नागरिकता के सारे प्रावधानों को ओपन करता है, बताता है कि किस तरह से यहाँ नागरिकता ली जा सकती है, किस तरह आप यहाँ रह सकते हैं, कौन कौन लोग नागरिक हैं और कैसे कैसे नागरिक। फिर इस पे एक एक्ट बना 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट, उसमें बताया कि नागरिक कौन कौन है जो यहाँ पैदा हुआ हो या इसके पिता यहाँ पैदा हुए, जो भाई नेचुरल यहाँ हो प्राकृतिक तौर पर या जिसका रेजिडेंट यहाँ हो, तो ये बातें भी ओपन कर दी गई। अब सरकार बनती है भाजपा की 2003 में, क्योंकि हमारे लोग तो हिस्सेदारी नहीं कर पा रहे, ये तो बेचारे सोच रहे कि बिना हिस्सेदारी करके आपकी लड़ाई कोई लड़ लेगा। 2003 में सरकार बनी भाजपा की, तो भाजपा ने क्या किया कि उन्होंने सिटीजनशिप के लिए कुछ रूल्स बनाए। अब उनका रूल जो है, रूल नंबर 4 ये कहता है, उसका जो तीसरा क्लोज है वो ये कहता है कि हम लोग पूरे देश में एनआरसी करेंगे और एनआरसी के जो आंकड़े हैं वो हम लोग एनपीआर के थ्रू इकट्ठा करेंगे, समझ रहे। पूरे देश में क्या करेंगे, एनआरसी, और एनआरसी के आंकड़े किस कहां से लेंगे, एनपीआर से, ठीक है। उसका चौथे रूल का चौथा क्लोज ये कहता है कि एनपीआर में जो आंकड़े इकट्ठा होंगे उनको हम वेरीफाई करेंगे, फिर उनको एग्जामिन करेंगे, फिर एनआरसी की एक्सरसाइज करेंगे। आप अगर ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाए, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में, जैसे मैंने बताया पहले भी, आप लोगों भी जानते होंगे कि मुल्क से बाहर जाने के लिए चाहिए पासपोर्ट, वो उसको आइडेंटिटी नहीं मानेंगे। आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, वोटर कार्ड को, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को या अन्य किसी कागज को, वोटर आईडी कार्ड को, जैसा मैंने बताया, उसको आइडेंटिटी नहीं मानेंगे। बाय बर्थ डॉक्यूमेंट हो या फिर आपके जमीने हो, पुराना रिकॉर्ड हो, ये उन्होंने उसकी पहचान का केंद्र रखा। अगर आप पे एक भी ग्रामेटिक मिस्टेक होती है तो अधिकारी सारे वहां उनके बैठे हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, वो काम करें जो वो चाहते हैं। तो वो जैसे डॉक्यूमेंट में कमी होती है, अगर मुसलमान है तो उसे तो सीधा डिटेंशन कैंप भेजेंगे, वो तो कह रहे हैं ये तो तुरंत घुसपैठिए हो जाएंगे, इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये कानून किस तरह से पूरे मुल्क के हर व्यक्ति के खिलाफ है। पहली बात तो जब तक यहाँ भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूत है, कोई मुसलमान को यहां से निकाल नहीं सकता। पहले सरकार को हमारी लाशों से गुजरना होगा, तब हमारा एक भाई यहाँ से इस मुल्क से बाहर जाएगा, वो तो हो नहीं सकता, वो तो संभव ही नहीं, झूठ में नहीं जिएंगे लोग, ये तो नहीं होने देंगे, ठीक है। इसमें तो आप भी जानते हैं, जिस दिन से हम लोगों ने आंदोलन में कूदे हैं उस दिन से सरकार ने कहना बंद कर दिया कि हम तो एनआरसी कर ही नहीं रहे, तो सीए की बात कर रहे हैं। ये वजीर आजम ने खुद कहा, मैंने ये भी बताया कि एनआरसी के आंकड़े कहां से इकट्ठा होंगे, एनपीआर से। इसलिए किरण रिजिजू ने बयान दिया कि एनपीआर करेंगे, एनपीआर से एनआरसी के आंकड़े इकट्ठा करेंगे। समझ जाओ बात को, जो बात बता रहा हूं, समझ रहे हो, उसका बयान गलत नहीं है। मगर झूठ कौन बोला, गृह मंत्री, कि एनपीआर का एनआरसी से कोई मतलब नहीं है। और यहां ये भी जान लो कि जो ये कह रहे हैं कि एनपीआर करवा रहे हैं एनआरसी नहीं करवा रहे, तो समझ लो तैयारी तो वो भी तुम्हारी करवा रहे, समझ रहे हो। ये जो चेहरा है ना सिक्के के दो पहलू, इनको समझना बहुत जरूरी। जो कह रहे हैं एनपीआर की तो 1.5 लाख हो गई बिहार में, एनपीआर स्टार्ट कराएंगे, एनपीआर नहीं स्टार्ट करा रहे, बस समझिए एनआरसी की शुरुआत हो चुकी है। हम अरे 15 मई तो बहुत गर्मी होती, उस गर्मी के महीने में तो ज्यादा लोग घर से बाहर भी नहीं आ सकते, हम ही लोग निकल सकते हैं जो मेहनत करते हैं। तो 15 मई को तो हम बताएंगे क्या होगा 15 मई को, लेकिन एक जरूरी बात ये बता दूं
एनआरसी में अगर आप डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराते कोई बात नहीं, एंड आपको सजा कर देंगे। लेकिन अगर एनपीआर में आप डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराते तो कोई आपको सजा नहीं कर सकता। अगर एनपीआर वाला कोई आपके घर आए ना, उसे कहना भैया देख चाय पी जा, लेकिन अपने काम चला जा, हमें बता रहे काम है, हमें ये काम नहीं। मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, इस बात को कोई बदल नहीं सकता जब एनपीआर का आंकड़ा कोई मानने आए तुमसे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, ये सच्चाई जान लो। अगर डीएम मना करते कि भाई मैं अपने जिले में एनपीआर नहीं करवा रहा, तो कोई दबाव नहीं बना सकता, ये बात याद, समझ गए हो? तो स्टेट गवर्नमेंट को कितनी बड़ी ताकत है पता लगी, ये तुम समझ जाओ। वो कोई कहे कि एनपीआर सरकार के नहीं बोली सेंटर के पे, नहीं, झूठ। एनपीआर होगी तो स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट मना कर देगी एनपीआर को तो एनपीआर हो ही नहीं सकती। तो जो हमारे लोगों को गुमराह करेगा उसकी भी हम उसकी भी जो है काला चिट्ठा खोल के रखेंगे। अब दोबारा वापस एनआरसी पे, उन्होंने कहा जिन लोगों के जैसे मुसलमान है तो वो तो इलीगल इमिग्रेंट हो जाए, क्योंकि उनका तो देश में कोई हिस्सेदारी नहीं है, उन्होंने तो कुर्बानियां नहीं की है, तो उनको तो हटाओ, वो तो जाएंगे डिटेंशन कैंप। अब बचे अदर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। तुम्हारी बात बहुत जरूरी हो सकती है लेकिन हमारे से नहीं, समझ रहे? तो जिन लोगों के डॉक्यूमेंट में कमी निकल जाएगी, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, तमिल हो, द्रविड़ हो, अब उसको समस्या कहां आएगी कि सरकार कह रही है कि उनको दिक्कत नहीं है, वो लोग क्या करें कि एप्लीकेशन दे दे। ये खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, या जो लोग जिनपे हिंदू मानते हैं सामान्य जाति के, कोई भी समस्या यहां आएगी कि जिस दिन आप एप्लीकेशन दोगे उसी दिन आप इस देश में माइग्रेंट इमिग्रेंट हो जाओगे, उस दिन इस देश में आप शरणार्थी हो जाओगे। आप लोग स्वीकार कर लोगे कि आप लोग यहाँ के नहीं हो, आप लोग यहाँ बाहर से आए, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, समझ रहे हो? अब शरणार्थी क्योंकि वो डाउटफुल सिटीजन है, समझ रहे हो? जो शरणार्थी हो जाएंगे वो डाउटफुल सिटीजन हो जाएंगे। डाउटफुल सिटीजन को इस देश में क्या मिलेगा? नागरिकता के नाम पे वो यहाँ रेजिडेंट तो हो सकते हैं, रह तो सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, लेकिन नागरिक नहीं हो सकते। रेजिडेंट में और सिटीजन में फर्क है, माइग्रेंट में और सिटीजन में फर्क है, नागरिक में और शरणार्थी में फर्क है। अमेरिका या कहीं का भी यूरोप का आदमी भी यहां के रह सकता है, रेजिडेंट है क्योंकि इस भारत की पहचान ही है, लेकिन उसे देश में संवैधानिक एक भी अधिकार नहीं मिलेगा जो हमारे पास, राइट टू वोट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू जॉब। ये जो सारे अधिकार हैं जिनकी वजह से मुसलमानों की बस्तियों में भी लोग आ जाते हैं, आप सलाम कर जाते हैं मियां भाई कि वोट दे देना हमें, वो तुम्हारे मोहल्लों में देखने मिल जाएंगे, ये बात समझ जाओ तुम, अगर वोट का अधिकार तुम पे नहीं, समझ रहे हो? तो वोट का अधिकार अगर दलितों से चला जाओ तो तुमसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, दास जी, समझ रहे हो? समझ आई? तो तुम्हारा इलाज सबसे पहले होगा, आदिवासियों का इसलिए होगा क्योंकि जब भी सरकार आती है तो जो जमीन उन्होंने रहने लायक तैयार की है वो वहां से उनको हटा के वो पूंजीपतियों को देती है, उन्हें भगा देती है, वो जंगल में और कई जगह बनाते हैं, तो ऐसे जो लोग ऐसे हैं उनपे तो कागज कोई हो ही नहीं सकता। कहीं बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो कागज वैसे बह जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मार आदिवासियों को भी पड़ेगी। जो खेती वाले लोग हैं लेकिन सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया या मजबूरी में जमीन जिसने बेच दी उसमें भी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार से तो रफल के डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो उसके बाद यहां उस व्यक्ति को अधिकार दे देंगे। अब सरकार चाहती क्या, सरकार ये चाहती कि पहले तो करी थी हमने नोटबंदी, अब हम करते हैं वोटबंदी। जो हमारी बात करेगा, हमारे तरीके से रहेगा, हमें वोट देगा, वो तो इस देश में नागरिक रहेगा। जो हमें वोट नहीं देगा, जो हमारी मुखालफत करेगा, जो हमारी नीति को सही नहीं मानेगा, वो इस देश में रह तो सकता है लेकिन उसको वोट का अधिकार नहीं देगा। अब क्योंकि जब से मैं काम कर रहा हूं मैंने दलितों को बिल्कुल इनके खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि हमें पता है इनकी नीति का, तो इसलिए सरकार को सबसे ज्यादा दिक्कत मुझसे है कि इसको बाहर मत निकलने दो। ये बाहर निकलेगा तो अपने लोगों को खड़ा करेगा, और जिस समय मुसलमान से पहले दलित, ओबीसी, आदिवासी खड़ा हो जाएगा, तो हम जो कहना चाहते हैं सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहा है, जो
जो झारखंड से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इनके कपड़े देख के पता लग जाता है कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं साहब मेरे कपड़े देख के बताओ कि मैं कौन विरोध कर रहा हूं, मैं हूं कौन, मेरी पहचान क्या है। तो दूसरे सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जहां मैं ये कहता हूं कि मैं मुसलमान भाई से पहले आके गोली खाने को खड़ा हूं, तो सरकार को लगता है अगर इसको गोली लगी, जैसे मैं एक शायरी बहुत पुरानी लिखी हुई मैं उसको सुनाता हूँ कि लिख रहा हूं मैं अंजाम उसका कल आगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, अगर मुझे गोली लगती है तो उस जमीन पे पड़ी हुई इस पाक मिट्टी पे पड़ी हुई एक बूंद देश में इंकलाब लाएगी और इस कमजोर सरकार को ऐसे उखाड़ देगी, समझ रहे हो। इसलिए क्योंकि मुझे ना सताया जाए इसलिए मुझे जेल में बंद करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, कह रहे हैं और कुछ दलित नेता भी जो गुमराह हो गए और डिबेट की बात करते हैं, मैंने कल चैलेंज किया कि गृह मंत्री जी आप आ जाओ, जहां मर्जी आ जाओ, जगह आपकी, जगह समय आपका, हम सारे काम छोड़ देंगे, हमसे डिबेट करके हमें संतुष्ट कर दो, अगर आप संतुष्ट कर देते हो तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे, अगर हमने ये बता दिया कि आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप देश के संविधान का हनन कर रहे हो, आप मुल्क की एकता को तोड़ रहे हो, आप हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहे हो, तो आप इस कानून को वापस ले रहे हैं, दोनों में से एक चीज तय कर दूं। जैसा मैंने बताया कि वो झूठ बोल रहे हैं तो इसलिए वो सामना नहीं करना चाहते, समझ रहे हैं। और कितने झूठ बोले हैं कैसे भरोसा करूं, वजीर आजम का, उनकी टीम का, कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कह रहे थे सबके साथ सबके विकास करके माइनॉरिटी के लिए नई नई योजनाएं ला रहे थे, आज माइनॉरिटी को अलग कैसे कर रहे हो, आज मुसलमान को बिल्कुल अलग खड़ा कैसे कर रहे हो, उस मुसलमान को जो इस मुल्क की मिट्टी को इतना पाक मानता है, अगर वजू के लिए पानी ना मिले, अगर वजू के लिए पानी ना मिले कभी नमाज, तो इस मुल्क की मिट्टी से तामुम करके जो है वो नमाज पढ़ लेता है, जो इसे इतना पाक साम मानता है, क्या हम नहीं जानते, क्या हमें नहीं पता कि गद्दार कौन है, वफादार कौन है, लेकिन जो पुराने लोग थे उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के आगे उसकी टीम के आगे कोई मजबूरी नहीं है। और देखो ईमान वाला हूं तो सब कहने में परहेज नहीं करता, सरकार कल की चाहती आज गोली मारे, गोली खाना कबूल करेंगे, सरकार के आगे तो हमारी मूंछें नहीं झुकती। हाँ सरकार अगर ये कहे कि चंद्रशेखर कुर्बानी दे दो हम सीए वापिस ले लेंगे, तो विश्वास करो सरकार को वो है कि मुझे तोप के आगे रख के उड़ाया जाए, लेकिन अपने मुल्क को जब तक हम लोग हैं हम लोग इस मुल्क को बटने नहीं देंगे। और विश्वास कीजिए जैसा मैंने पहले भी कहा मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि आने वाले 10 दिन में मुसलमान भाई आंदोलन में कम होंगे, दलित भाई सबसे ज्यादा होंगे। फिर मैं पूछूंगा प्रधानमंत्री से कि कपड़े देख के बताओ कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आप झूठ पे झूठ बोलोगे, आप इस मुल्क में रहने वालों को सताओगे, आप के जो लोग हैं मीडिया के वो सरकार से सवाल ना करके आम आदमी से सवाल करेंगे, ये बताएंगे कि इनको कानून का नहीं पता, जैसे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि बताइए ये खूतो रजाई में घुस गए हैं, अपनी महिलाओं को बाहर निकाल दिया। मैं कह रहा हूं कभी योगी जी बिहार की तरफ भी देखिए, ये तो क्रांति धरा है, यहाँ देखिए भाइयों के बराबर में, बहनों के बराबर में भाई भी पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। तो जो झूठ बोला जा रहा है मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कभी आप मुझे सुनते तो आप मुझे है मुझे पता है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इंसान कभी तो सच बोलिए, कभी तो अपने लवों पे सच्चाई लाइए, कभी तो बताइए कि चंद्रशेखर जहां से आता है रेस मिल तुरवाल तहरीक वहां से चलती है, अंग्रेजों को भगाने की पहली तैयारी वहां से चलती है। जब पहला तोपखाना लूटा जाता तो शामली से लूटा जाता है, अगर 1857 क्रांति कहीं से चलती है तो वो मेरठ से चलती है।
और अगर मुल्क की हिफाजत के नाम पे कत्लेआम किया जाता है तो शामली से लेके और दिल्ली तक हर पेड़ पे एक मौलवी अपनी शहादत देता है लेकिन इनके आगे खुजले नहीं देखता है। तो जब अंग्रेजों से नहीं झुके जो इतने जालिम थे तो तुमसे कैसे झुके, तुम तो गुमराह हो, तुम जालिम भी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि चंद लोग इस मुल्क को तोड़ देंगे और हम इतने लोग इस मुल्क को टूटने देंगे, नहीं तोड़ सकते। बस मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस मुल्क का संविधान हम सब लोग का रक्षा कवच है। जब आपसे कोई पूछे तो उसको एक शब्द में जवाब दीजिएगा लेकिन में कि मुल्क का संविधान खतरे में, इसलिए मैं सड़क पे हूं, बस यही बात खत्म हो जाती है। क्योंकि इस मुल्क का संविधान कैसे खतरे में ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि उसमें एक आर्टिकल है 14 और 15। मेरे ऊपर एक पिक्चर भी बनी जिसमें आर्टिकल 15 जो है, एक मूवी बनी, हमारे लोगों ने खूब देखी, उसका बजट भी बढ़ा दिया आयुष्मान खुराना का। उस पिक्चर से वो इतना हिट हुआ कि वो लगातार हिट दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कहता है वो जो आर्टिकल है कि मुल्क में धर्म जाति नस्ल भेद स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। जब इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का संविधान, जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया वजीर आजम, जिसकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, गुजरात से उठकर दिल्ली चले गए, जब वो इजाजत नहीं देता तो आप कौन होते हैं? आपका मकसद जब अच्छा नहीं है, याद रखिए ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके हौसले 4 गुना बढ़ जाएंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान कितना भी बुरा हो अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी नीति अच्छी है, तो अंत में वो संविधान अच्छा ही साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाले लोग बुरे हैं, उनकी नीति बुरी है, उनकी नीयत बुरी है, तो अंत में संविधान बुरा ही साबित होगा। वजीर आजम, आपकी नीयत भी बुरी, आपकी नीति भी बुरी, और आज संविधान गलत हाथों में है, उसका प्रयोग दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देश के संविधान खतरा है। और मैं ये दरखास्त करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि भीम आर्मी के लोग तो पूरा जी जान लगा दें। मैं चाहता हूं कि बिहार पुलिस भी अभी तक तेज हो जाए कि सरकार के सारे में, जैसे दिल्ली पुलिस हो रखी है, रोज लाठियां मार रही है, खूब लाठियां मार रही है, लेकिन हौसले नहीं डगमगा पा रही है, क्योंकि ये हौसले ये यहां से है, जो वो झूठ बोलते हैं ना उनके प्रचारक बैठ के कि 500 रुपए में आंदोलन में बैठे हैं लोग। मैं कह रहा हूं भाजपा की रैली थोड़े ही हो रही है जिसमें 500 रुपए। ये तो मुल्क को बचाने के लिए दोबारा से जंग आजादी की लड़ाई हो रही है, इसमें तो लोग ईमान से बैठे हैं और ये तय करके बैठे हैं उठेंगे नहीं। तो मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि कल मैंने वादा किया, जैसा एक वादा मैंने किया कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तो तब तक हम माला स्वीकार नहीं करेंगे, स्वागत नहीं कराएंगे, उसी हिसाब से उसी बात को आगे बढ़ाते मैंने ये भी तय किया कि अगले 10 दिन में हम लोग लगभग 5,000 साइन बाग बनाएंगे। तो इससे पहले कहां थे हम? दो बागों में तो मैं हो आया हूं, अब बाकी प्रयास करूंगा कि भीम आर्मी के लोग स्टार्ट करें, हर जिले में बाग बना दे, फिर जब आप बाग बना दोगे तो वहां तरह तरह के फूल खिलने के लिए मेरी बहनें और मेरे भाई भी आ जाएंगे। विश्वास कीजिए, जालिम को लगता है कि एक एक करके वो हमें निस्तनाबूद कर देगा, जालिम को ये नहीं पता कि जब मालिक की लाठी चलती है ना उस लाठी में आवाज नहीं, और जनाब जिस दिन वो पड़ेगी ना उस दिन एनआरसी भी भूल जाओगे, ये भी भूल जाओगे, एनपीआर भी भूल जाओगे, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी भूल जाओगे, दिल्ली का रास्ता भी भूल जाओगे, क्योंकि ये जनता है, ये मालिक है लोकतंत्र में, ये बनाती है और ये उखाड़ती है। कहेंगे जाने की जा चाहूंगा, याद रखना ये कड़वी बात कहकर जा रहा हूं कि जिनका राज होना चाहिए था वो से
शेर होता अंत जानवर ही है, शेर जो है अंत जानवर होता है, तो मैं तो तुम्हारा भाई हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हौसलों को बना के रखिए, भारी भारी सर विश्वास कीजिए, देश के सबसे बड़ी अदालत है वो तो जनता की है, समझ रहे हो? कौन किसी अदालत सबसे बड़ी? जनता की। लेकिन याद रखे, माननीय न्यायालय ने भी ये कहा है कि प्रोटेस्ट करना, एक मिनट यही खड़े हो जाओ भैया, अभी मत बना व्यवस्था, ये इतने प्यारे लोग हैं, अपने आप व्यवस्था बना दे, तुम खड़े रहो, अल्लाह करे। और मैं तो प्रशासन के लोगों को, अपने लोगों को धक्का मारने की याद नहीं देता, धक्का तुम किसी को मत मारना। तो मैं कह रहा हूं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि प्रोटेस्ट करना देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, हाई कोर्ट भी ये कह रहा है। अब मैं कुछ जानकारी भी दूं, आवाज आ गई है, अब उधर मुंह कर लूं। देखिए, ये बात इसलिए जाननी चाहिए कि 22 लोगों का कत्ल किया गया है सरेआम यूपी में, शेम 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 तो करनी चाहिए, शेम आनी चाहिए सरकार को। ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, हम भी वकील हैं, कानून की पढ़ाई की है, हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो गोली टांग पे मार देते, यहाँ सर पे सीधी गोली कैसे लग रही है, सीने पे मार रहा है। हमें ये समझ आता है कि तुम ये दबाने के लिए पे मार रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इनकलाबियों का जो खून होता है वो तो आजादी की लड़ाई में सदी होता है, और इनकलाबी खून जो होता है ना वो इतिहास बदल देता है, ये शायद तुम बार बार भूल जा रहे हो। आप जो कड़वी बात तुम्हें कहना चाह रहा था वो सुन लो, ये तुम सबके लिए है, इनके लिए भी है जो यहां बैठे नीले पट्टे बांध के। देखिए, उन लोगों ने कानून किस दम पे बनाया, क्योंकि वो संसद में बहुमत में है, समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उन्होंने कानून कैसे बना पाए वो लोग, काले कानून कैसे बना, क्योंकि वो संसद में बहुमत में है, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम बंटवारे में हैं और वो लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। आप प्रयास करना कि कोई बंटवारा ना कर पाए, जो बंटवारा कर रहा हो उससे बहुत दूरी बना के रखना, क्योंकि आज समय बहुत कठिन हो गया है, वो सत्ता की कुर्सियों पर का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वो बहुमत में ना होते, उनकी सरकार नहीं होती, तो क्या वो काले कानून बना पाते? नहीं। क्या वो हमारे लोगों को मार पाते? नहीं। क्या हमारी बहनों को, माताओं को यहाँ ठंड में सड़क पर बैठना पड़ता? नहीं। क्या हमारे सीनों में दर्द होता? क्या हम लोग तकलीफ महसूस करते? पूरे देश में इनकलाब आया हुआ है और प्रधानमंत्री जी को बिना कहे 3 तलाक के बाद सुनाई दे जाती है, क्योंकि वो उनके मतलब का काम है, उसमें वो संविधान को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये जो करोड़ों बहनें यहाँ बैठी है, इनकी आवाज उन तक नहीं जा रही है। खैर छोड़िए, आप तो बिहार में हैं, कहते हैं बिहार बहुत पिछड़ा हुआ, मुझे तो नहीं दिखता, जो कमी सभी है उसे हम पूरी कर देंगे सब लोग मिलकर। लेकिन सवाल ये है कि शाहीन बाग में और पीएमओ ऑफिस में, पीएम साहब के घर में 10 किलोमीटर का फर्क नहीं है। अब अगर आदमी सो रहा हो तो उसको जगा दूं, जैसे बहादुर भाई सो रहा था उसको मैं उठा सकता हूं, बहादुर भाई उठ जाओ, लेकिन अगर चंद्रशेखर आंख बंद करके ऐसे पड़ जाए और तुम उठाते रहो, जब मेरा मकसद ये कि उठना नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब सबके साथ सबके विकास की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, तो आज तुम्हें बहनों की आवाज क्यों नहीं आ रही? या फिर आप हमें ये बता दो कि आपके घर के बाहर आके चिल्लाए, समझ रहे हो? आप हमें बोलो इनवाइट कर दो तो आपको भी बता दे कि आवाजें कैसे आती है। जैसे ब्रायन लारा वो सैंड वार्ड के सचिन सपने में आता था, हो सकता है हम लोग सपने में आ रहे। देखिए, यहाँ इस आंदोलन में क्रांतिकारी गीत बजे, क्रांतिकारियों को याद किया जाए, सरफरोशे की तमन्ना, ये जज्बों की जो पुरानी क्रांतियों की जो तस्दीक है ये पढ़ी जाए, दिल दिया था जा भी दे गया वो तक तेरे लिए, ये गाना जो नारे हैं हमारे अंदर जान भरे, इस आंदोलन को तरक्की मिले ऐसी मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला इस आंदोलन पे जो लोग शरीक हैं उन पर रहमत बना के रखे और इस आंदोलन को कामयाबी दे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, और मैं प्रयास करूंगा कि अगले आने वाले 4-5 दिन में पूरे बिहार के हर जिले में एक बाग बन जाए। तो ऐसी मेरी मंगल कामना है।
जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आने का मौका दिया, उनका दिल की गहरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दरखास्त चाहता हूँ कि जालिम बड़ा ताकतवर है लेकिन आपकी दुआओं के सामने इतना साहब होना सा। आप अपने भाई के लिए दुआ करना, बाकी काम तो आप देखो 10 दिन में बहुत कुछ करके दिखा देंगे, आप चिंता मत। देखिए ये जनता है और जनता ने जब जब अंगड़ाई ली, इनकलाब आया तो इतिहास लिखा गया। मैंने कल भी बताया कि अब तक इतिहास में जलियांवाला बाग दर्ज था, अब साइन बाग, लाल बाग, सब्जी बाग और कितने बाग दर्ज होंगे। और उन बागों के जब ये फूल जो है जो महक रहे हैं यहाँ, इनकी खुशबू आने वाली पीढ़ियां महसूस करेगी तो उनको पता लगेगा कि ऐसे ही हमने यहाँ से गोरे अंग्रेजों को भगाया था। घर बैठने से कुछ नहीं मिला था, कैसे भगाया था? आंदोलन करके। आज फिर एक आंदोलन चल रहा है, काले भी भाग जाएंगे। बस हाँ, बस मैं चाहता हूं इस मुल्क की एकता, अखंडता, अमन, भाईचारा, इस मुल्क की जो तस्वीर पूरी दुनिया में, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो झूठ बोलते हैं, मुझे बहुत जगह से फोन आते हैं, वो कहते हैं हमारी वो बहुत गिर रही है साफ यहाँ, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है तो तुम पे भरोसा कैसे करें, बहुत दिक्कत की बात है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन आगे बढ़े। अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, हम सबको जोड़ने वाले देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़ू।